नयावद उमानात पादार विन्दं भजंती हलोके परेवानराणां नतावद सुखं शांति संताप नाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। बहुत सुंदर यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर एक नाम लिया उमानाथ। देखो निराकार से शुरू किया था, अब हम लोग साकार में आ रहे हैं। न यावद उमानाथ पादार विंदम, जब तक उमानाथ के चरण कमल को लोक में नर भजते नहीं है। अब यहां पर उमानाथ नाम लेने का अर्थ है केवल बोल सकते थे जब तक शिव जी के पद को चरण कमल को नहीं भजा। नहीं यहाँ जान यहाँ मतलब पर्पज ही लिया है उमानाथ। उमानाथ यानी उमा यानी माता, माता पार्वती। कहते हैं जब तक पार्वती माँ के जो नाथ हैं उनके चरण कमल में जब तक हम नहीं जाते तब तक ना तावत सुखम शांति संताप नाशम, तब तक हमें सुख नहीं मिल सकता, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती, ना हमारे संताप का नाश हो सकता है। तो यहाँ पर दो लोगों को स्मरण की बात करी, एक माता पार्वती की और उनके साथ साथ शिव जी की। माता पार्वती की क्यों करी? तो इसलिए कि भगवान को ध्यान में लगे रहते हैं, आग बंद करके लगे अपने ध्यान में। अब माता पार्वती को, अब तुम यहां से प्रार्थना कर रहे हो, रुद्राष्टकम रोज गा रहे हो, माता पार्वती सुन रही है। माता पार्वती तो आंख नहीं बंद कर सकती, तो एक्टिव है, वो तो अपने सारे भक्तों को देखती है और देखती है, अरे ये परेशान है ये बच्चा, ये मेरा भक्त परेशान है। तो माता पार्वती जाकर के शिव जी को बोलती है, नेत्र खोलो, जरा कृपया कृपा दृष्टि करो, ये भक्त तुमको कब से बुला रहा है, तो इसके ऊपर तुम कृपा करो। तो इसीलिए जब हम भगवान की भक्ति करें ना शिव जी की, तो माता को भी पकड़े रहना, क्योंकि माता बड़ी दयालु है। माता का हृदय अगर पिघल गया तो शिव जी वहां खड़े हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक आ गया, न यावद उमानाथ पादारविंदम भजंती लोके भजंती हलोके परेवानराणां, जब तक उमानाथ के चरण कमलों की पूजा नहीं करते तब तक सुख शांति और हमारे जीवन का संताप का नाश नहीं होता। इसलिए हे भगवान प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम, हे प्रभो आप हम पर कृपा करें, आप हम पर प्रसन्न होइए। और कैसे प्रभो? कहते सर्वभूताधिवासम, जो सभी भूतों के अंदर रहते हैं। सभी भूतों यानी भूत नहीं, सभी यानी सभी जीवों के अंदर रहते हैं। देखो निराकार से शुरू हुआ, आप ब्रह्म हैं, आप ज्ञान हैं, आप निराकार रूप हैं, निर्गुण हैं, फिर वहां से शुरू होते होते आप हिमालय में रहने वाले हैं, आप जटाजूटधारी हैं, आप अमृत चर्म धारण करने वाले हैं, आप भुजंग धारण करने वाले हैं, आप भवानीपति हैं, साकार रूप में आ गए। भवानीपति के बाद आप उमापति हैं, आप मेरे माता पिता हैं, वहां तक आ गए। वहां तक आने के बाद बोलते हैं आप सर्वभूत आदिवासन, आप सभी जीवों के अंदर रहने वाले हैं। तो भगवान कहीं दूर नहीं है, कहाँ है भगवान? ऐसे लग रहा था अभी तक हिमालय में, अभी तक बोल रहे थे हिमालय में, ऐसे लग रहा था। लेकिन जब ये कह दिया सर्वभूत आदिवासम, अरे भगवान तो सबके हृदय में है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। आंख बंद करो, हृदय में शिव जी को याद करो, ऐसे वाले शिव जी को, और बस उनको रुद्राष्टकम प्यार से सुनाओ, शिव जी प्रकट हो जाएंगे। प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम।